अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मीर नकी अली ख़ान रजवी हूँ, आशु खाने का मुतवल्ली हूँ यहाँ का। और आशु खाने अल हुसैन के अंदर जो रुकावटें होते हैं हर जुमेरात को, जुमेरात जुमे पर जो काफ़ी पब्लिक आती उसमें आए दिन जो है गली के अंदर बड़े रुकावटें बन रहे हैं हमारे को, और लोग आना जाने का काफ़ी मज़हब से मेरे को ताल्लुक़ है, जो पब्लिक आती जाती उनमें रुकावट हो रही गली के अंदर, सामने जो एंट्रेंस के अंदर जो घुसते वक्त बड़ी रुकावट हो रही, कुछ लोग नाजायज़ तरीके से बना लिया गया आगे। और इससे पहले सब जगह दरख्वास्तें दिए हम लोग, बल्दिया में ले आके दिए, कौंसलर से मिलके बोले हम लोग, अब नए दरख्वास्त जो है हम बल्दिया में भी दिए। मुमताज़ अहमद खान साहब से ख़ास रिक्वेस्ट है कि उसके पता दिलचस्पी डाल के क्या तरीके से हो सकता जी, आरटीआई की जो है हम लोग दरख्वास्त दिए हम लोग, ताकि जो रुकावटें हो रही दूर फरमा दीजिए। और आए दिन हमारे पास जो गली में कभी हादसे होते, जो तबीयत ख़राब होती, एम्बुलेंस यहाँ सकती, और कब्रस्तान की गली में डोले आने को भी बड़ी तकलीफ़ होती है हमारे पास, हर चीज़ की बड़ी तकलीफ़ हो रही गली के अंदर। ज़रा ख़ास तवज्जो है एमएलए साहब से, कौंसलर साहब से, और बल्दिया के तमाम आफिसरों से ख़ास गुजारिश है, इस गली के ऊपर ख़ास नज़र रखिए। आशु खान इमाम हुसैन की तरफ से ख़ास मुझे कब्रस्तान के बाजू जो है कुछ रुकावटें बन रहे हैं, वहाँ पर जो है बाथरूम बन रहा, ज़रा इसके ऊपर ख़ास तवज्जो है हमारी, ज़रा गवर्नमेंट की जगह पर जो बना रहे हैं उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दीजिए आप लोग, जो रुकावटें ना हो। जो नागेश्वर राव नामकारी है, हम उनको सुंदर से मिलकर हम कॉपरेट करने की कोशिश करें, और तमाम दरख्वास्तें दे के बैठे हम लोग, तो ख़ास गुजारिश है एमएलए साहब से, कौंसलर साहब से, और हमारे एमपी साहब से भी ख़ास गुजारिश है, इसके ऊपर ज़रा ख़ास ख्याल करें हमारे गली के लिए। अस्सलाम वालेकुम। दारुशफा जामबाग, दारुशफा जामबाग, और हाफिज़ यारजंग है कब्रस्तान का नाम, बाग हाफिज़ यारजंग जी, ये आमी अल हुसैन, आशु खाने का नाम अल हुसैन है, ये आशु खाने अल हुसैन है दारुशफा के नाम से जो है ख़ास। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ताजुद्दीन फारूकी मुकामी हूँ इस महल्ले का। यहाँ पर महल्ले में हमारे बहुत सारे तकलीफ़ें हो रही हैं, ना गली में कोई गाड़ी घुस सक रही है, ना कुछ ना क्या, हमेशा पब्लिक को बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ये नीचे मोरी के ऊपर 3 से 4 फुट का इंक्रोचमेंट कर बनवाया गया है, जो GHMC ये कंप्लेंट में हम 1 साल पहले दिए, मगर इसके ऊपर कोई भी उसकी कार्रवाई नहीं हुई। अगर ये कुछ गलत है इसके ऊपर GHMC क्यों कार्रवाई नहीं कर रही, एक्शन क्यों नहीं ले रही, और अल्लाह क्या है ये नागेश्वर राव जो है उन्हें कब्रस्तान के बाजू बैतुल खला बनवा रहा है, अब राकेश साहब जो है सेक्शन ऑफिसर भी आके इंक्वायरी करके हमारे को बातें करके जा रहे हैं कि उन्होंने उनकी घर के ऊपर बना रहा, तुम्हारे को क्या ऑब्जेक्शन है बोल रहे हैं, और उनको जब भी फ़ोन करें तो कोई भी GHMC वाले रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अदबन गुजारिश है हमारे MP साहब असदुद्दीन अवैसी साहब और MLA मुमताज़ खान साहब से कि अदबन इससे कुछ भी इस पर एक्शन लीजिए, हमारे कॉर्पोरेटर साहब ज़रा सा बिजी है, ज़री सी नज़र इनायत करम हमारी इस गली पर डालिए, जल्द से जल्द इसको तकमील करिए, बस हमारी गली में एक ना ऑटो आ सक रहा ना एम्बुलेंस आ सक रहा, और यहाँ पर ये कब्रस्तान है, कब्रस्तान में परसों मौता हो गई तो एक डोला नहीं आ सका है, इतनी पब्लिक को तकलीफ। वहाँ पर आप देखिए पूरा गाड़ियाँ खड़ा कर दे रहे हैं, कारा खड़ा कर दे रहे हैं टर्निंग पे, घर पर इस पर तकमील करिए। यहाँ पे ना ढोला आ सक रहा ना कोई चीज़ आ सक रही, जब MLA को ओड होने का रहता तो उन लोग आते, अब हम आपको तकलीफ हो रही तो कोई आके नहीं देख रहा, परसों ढोले के लिए भी आए थे तो ढोला आ नहीं सका, और ये नाजायज़ है ये बाथरूम बनाना, बैतुल खला बनाना, वो वहाँ से तो ढोला बिल्कुल नहीं आ सक रहा, ना एम्बुलेंस आ सक रही, ना कोई गाड़ी आ सकती, अगर अचानक कोई बीमार हो गया तो मरे तक बाहर निकले तक कोई नहीं जा सकते, तो ऐसी इतनी तकलीफ है हमारे को। और दूसरे बोलो, साल पहले GST वालों को भी बोले थे हम लोग, उन लोग भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, उन लोग भी कोई नहीं बोल रहे, ये देखिए खाली बल्दिया वाले आ रहे हैं, देख रहे हैं, चले जा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे लोग, मैया थाने के लिए इतनी तकलीफ हो रही है हमारे को, इतनी तकलीफ हो रही, नाजायज और दीवार बना के हमारे को रास्ता रोक के हमारे को तकलीफ दे रहे, खबरस्तान के बाजू बैतुल खला बना के रखे, ऐसा रखते क्या गवर्नमेंट, सही है क्या, क्या बैतुल गवर्नमेंट की रोड है, गवर्नमेंट की रोड पे बना के रखते क्या, ऐसा गवर्नमेंट ऐसा कैसा उसको ऑर्डर दे दिया बनाने के लिए, सामने के घरों पे 14,000 रुपए किराया खा रहेगा गवर्नमेंट, और तबीयत खराब ही तो एक ऑटो नहीं आ रहा, उठा लेके जाना पड़ता आदमियों को, तबीयत खराब ही सवालों को गोद में उठा के लेके जाना, नहीं लेके जा सके तो मर जाना आदमी, तो फायदा क्या है फिर गवर्नमेंट, GHMC में कितना फायदा है ये बोलो, एक साल से टैक्स कितना बन रही ना, जैसे बोलो नागेश्वर टैक्स कितना बन रहा, बोलो नागेश्वर टैक्स कितना बन रहे आप बोलो। और ये जो है ना दो छोटे मलगियां 14,000 रुपए पे किराए पे देकर यहाँ पर से उसकी भाभी, उसकी भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये मरहूम लेट नरसिंह राव की प्रॉपर्टी है,
यहाँ से रास्ता तोड़कर ये गली वालों को ज्यादा तकलीफ दे रहा है। और ये पीछे देखिए आप लोग कैमरा उधर करिए, ये नीचे सीसी ड्रेन भी है, ये नीचे सीसी रोड है, 4 फुट टूटना है ये वहाँ से वहाँ तक। और ये जो नीम का झाड़ है वो बाहर था पूरा अंदर हो गया, देखिए पब्लिक आई है, इसके नीचे कच्ची मोरी है, ये 4 फुट तो अंदर एंक्रोचमेंट है, 4 से 5 फुट तक। जीएचएमसी से जो भी होता है ये नागेश्वर राव सबसे पहला कदम उठाता आगे। पूछो 14,000 रुपए जब उन्हें किराया महाना फरहम कर रहा तो जीएचएमसी कितना टैक्स पे कर रहा है, किस चीज का ले रहा है, गवर्नमेंट की जगह पे बनाकर किस चीज का ले रहा है, लोगों को बनाने के लिए कब्जा करने के लिए ले रहा है, और ये पूरा ये लिया है पूरा डाल दे एकदम लड़ाई झगड़े के बाद उन्हें कोई हाईकोर्ट का एडवोकेट है कहते हाईकोर्ट का लीगल बार काउंसिल का मेंबर है कहते उन्हें हाईकोर्ट का अगर हम कोई कुछ बोले तो भीड़ डाल देते वो ये बोल के डरा रहा और कोई बड़ा जर्नलिस्ट है कहते नागेश्वर राव। और अदाबन इस पर देखिए ये तवज्जो दीजिए कि ये नीचे कच्ची मोरी है जीए पूरा अंदर कब्रिस्तान में पूरा नाजायज बना दे रहे लगा सीढ़ियाँ बना दे रहे बैठक खड़ा बना दे रहे गवर्नमेंट की जगह गवर्नमेंट की रोड का घोड़ा रास्ता छोटा गंगाल में लगा बस्ती में लड़ने को आ रहे हैं लोग सारे बनाते क्या कब्रिस्तान के पास ही बोलिए भाई शोर को कम में इसके ऊपर नाजायज कब्जा है बेटी का नहीं है।